तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिंधु भई बचा, पतितानंग पावन भो, वैष्णवे नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभायन सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रददेवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म आप सब हिंदी बुझ एपटे से बस आपठी आस नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग श्रवण कर रहे थे गत कल श्री हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोले हे प्रभु आप बड़े दयालु बड़े कृपालु हो क्योंकि मेरे जैसे नीच जाति जो जवन कुल में जो जन्म ग्रहण किया है हैं ऐसे व्यक्ति को भी आप कृपा किए हो, इसलिए दीन से दीन अधम से अधम जीव को ऊपर में आप कृपा करते हो। जैसे हमारे भारत हमारी उड़ीसा में देखो दासिया बाउरी जाति में बाउरी छोटे जाति साल बेग हैं जवन, लेकिन उनका भक्ति देखो उनने जगन्नाथ जी को नारियल दिया तो जगन्नाथ स्वयं ले लिया, लेकिन सेठ ने क्या किया मालपुआ रसगुल्ला लेटीगिन चमचम और कितने छापान भोग 36 व्यंजन, लेकिन जगन्नाथ ग्रहण नहीं किया, लेकिन दासिया बोरी का नारियल को जगन्नाथ जी ने ले लिया। और श्री सालवे गए कहते सालवे कहते ये जाति में ये जवन है जाति में ये जवन है, लेकिन इनका भजन देखो क्या उन्होंने भजन किया है। आहे नील शैल प्रबल मत वारण मारत नलिनी बन कुकर दलन, इसलिए इनका जो भजन है जो उन्होंने भजन गाए जो जो पतित बावन ये पतित बावन क्यों है कहते उन्होंने मंदिर को अंदर में प्रवेश करना चाहते थे लेकिन चूंकि इनके माँ तो थी ब्राह्मणी लेकिन उसका जो पिता था मुसलमान वो जोर जबरदस्ती उन्होंने ब्राह्मणी घर के सुंदरी देख करके मुसलमान पहले ऐसे ही करते थे अगर किसी सुंदरी लड़की को देख लिया तो जोर जबरदस्ती उनको छीन लेते थे हैं, इसलिए जोर जबरदस्ती उन्होंने उनकी पटरानी बनाई, लेकिन है तो हिंदू घर की फिर ब्राह्मण घर की, उनने बचपन से ही उनको जगन्नाथ जी कथा सुनाया करते थे बोले देख बेटा तुम हिंदू हो मैं ब्राह्मण घर की हूँ, लेकिन ये मुसलमान जोर जबरदस्ती मेरे को अपना पत्नी बनाया लेकिन हम हिंदू है। बचपन से माँ की संस्कार सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर में माँ का संस्कार पड़ता है, इसलिए जो पहला गुरु है ना वो पिता माता, पहले सबसे गुरु ये पिता माता है, संस्कार सबसे पिता जिससे ज्यादा संस्कार माँ की पड़ती है क्योंकि हर समय माँ की गोद में बच्चा रहता है, माँ जो कुछ करती है उसको देखता रहता है बच्चा, इसलिए सबश्रेष्ठ संस्कार माँ से पड़ता है। इसलिए ठाकुर जी क्या करते थे प्रात उठ ही रघुनाथा और माँ तो पीत गुरु नमय माता, इसलिए स्वयं जगन्नाथ जी स्वयं भगवान राम
सवेरे उठ करके पिता माता को सबसे पहले दिल की चरण स्पर्श करते थे, है? क्योंकि पहला गुरु जो पिता माता है, इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी की बड़ी प्यारी प्यारी कथा सुनाया करती थी, ऐसे जगन्नाथ जी ऐसे। इसलिए जब साल बेग आए और अंदर में प्रवेश करना चाहते थे, उनको प्रवेश करने नहीं दिया। क्यों? उसका जो पिता है ये जवन है। लेकिन श्री साल बेग पूर्व दरवाजा में बैठ करके उन्होंने ऐसे भजन गाए, जगन्नाथ भी मंदिर छोड़ करके जगन्नाथ जी उन्होंने बाहर निकल करके आ गए। इसलिए कोई कहीं कहते हैं जब उन्होंने उनका अपना प्यार को जब उन्होंने पश्चिम तरफ में किया, कहते पूरा के पूरा मंदिर उस तरफ में घूम गए। जब उत्तर तरफ में किया वो जगन्नाथ मंदिर उत्तर तरफ में घूम गई। वो जिधर उन्होंने अपना मोह किया वो पूरा के पूरा मंदिर गए तो उस तरफ पूरा के पूरा उधर घूम जाता था जगन्नाथ मंदिर। और इनकी भक्ति में प्रसन्न होकर के जगन्नाथ जी अंदर छोड़ दिए और उन्होंने कहाँ आ गए, सामने आ गए। इसलिए उनका नाम हो गया पतित पावन है, जो पतित हो मुझे पावन करते हैं। इसलिए यहाँ हरिदास ठाकुर जी कहते बोले हे प्रभु कहाँ मैंने सर्व जाति में बहिष्कृत है, मेरे को जो दर्शन करते हैं उनको पाप होता है, मेरे को जो स्पर्श करते हैं वो स्नान करते हैं, हैं? लेकिन मैं एक कीड़े हैं होने पर भी आप ऐसे पतित व्यक्ति को भी आपने उद्धार किया है। इसलिए उनका एक नाम पतित पावन है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने कर हे प्रभु जब जब किसी भक्तों को ऊपर में विपत्ति आई तब तब आपने क्या किया, सारे भक्तों को रक्षा किया। द्रौपदी को ऊपर विपत्ति आई है उसी समय भी द्रौपदी को साड़ी दे करके उनको ऊपर भी उद्धार किया है। प्रहलाद को ऊपर में विपत्ति आई उनको पिताजी उनको तरह तरह से मारने के लिए कोशिश करता था, लेकिन ठाकुर जी स्वयं सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम। उसको पिताजी ने पूछा बताओ तेरे भगवान कहाँ है, पहले तेरे भगवान को देखता हूँ बाद में तेरे को देखूंगा। है तुम्हारी जैसे कुत्ते का पूछ होता है ना, भले ही जितने तेल लगा दो लेकिन फिर छोड़ दो फिर सीधा हो जाता है, फिर टेढ़ा हो जाता है। कहते तुम कुत्ते का पूछ जैसे, विश्व ब्रह्मांड मेरे डर से थर थर कांप रहे हैं, देवता लोग भी मेरे डर से भयभीत है, पाताल सारा दुनिया को मैंने अपना बल पर अधिकार किया, तू ऐसे टेढ़े खीर हो, ऐसे तुम टेढ़े हो है, और तू केवल बदला नहीं तूने, बताओ तेरे भगवान कहाँ है। बोले पिताजी ये बताओ मेरे भगवान नहीं कहाँ है ये तो बताओ। बोले खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है सचमुच से भक्तम भाषितम न सत्यम विधातुम निज भक्त भाषितम। प्रहलाद ने बोल दिया खंभे के अंदर में देखा नरसिंहदेव साक्षात, और बैठ करके नरसिंहदेव मुस्कुरा रहे थे बैठ करके, उन्होंने साक्षात रूप में दर्शन किया। बोले मुझे क्यों नहीं दिखता है, बोले प्रभु पिताजी प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय सो विलोकयंतम। इसलिए ये जड़ नेत्र से भगवान नहीं दिखते, उनको दर्शन करने के लिए प्रेम रूपी अंजन लगाना पड़ेगा, काजल लगाना पड़ेगा तब तो भगवान दिखेंगे, हैं? ऐसे नहीं दिखेंगे। इसलिए कहते उसी समय एक हिरण्यकश्यप था, अभी तो सारा दुनिया में हिरण्यकश्यप जो कि भगवान को मानने वाले नहीं है, अपना बेटा बेटी दुनियादारी को तो मान लेंगे लेकिन भगवान को मानने के लिए तैयारी नहीं होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में चार ही तरह का व्यक्ति मेरा भक्ति करते हैं और चार ही तरह का व्यक्ति मेरा भजन नहीं करते हैं, है? चार ही तरह का व्यक्ति मेरे भक्ति करते हैं और चार ही तरह का व्यक्ति मेरे भजन नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। श्लोक याद है किसको, इसलिए कहते हैं न माम दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायायाम अपरहित ज्ञान आसुर भव मत। यहाँ पर कृष्ण कहते न माम दुष्कृत न मूढ़ा, हाँ दुष्कृत मतलब है जो बड़े पापी व्यक्ति है, कहते पापी व्यक्ति मेरा भजन नहीं करते हैं, हैं? पुण्यात्मा तो भगवान की भक्ति जो करते हैं, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सोपी महामुने, भगवान स्वयं कहते हैं करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में कोई एक विरल व्यक्ति होते हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। इसलिए ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव
गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लगा दीजिए। करोड़ों करोड़ों जीव में किसी एक सौभाग्यवान व्यक्ति, बताओ कौन सौभाग्यवान व्यक्ति है, बोले जिनकी करोड़ों करोड़ जन्म से भक्ति उन्मुख ही जिनके सुपुर्द है, वही व्यक्ति मेरी भक्ति कर सकते हैं। और जिनको ये संसार का बंधन खत्म हो गया और उनको संसार में दुख कष्ट भोगना नहीं है, अभी भगवान को चरण में है जाने का समय हो गया, बोले तही अच्युत समाज, तभी जीवन में साधु संग तभी मिलता है। और साधु संग मिलने पर निज तत्व अवगत है, फिर वो समझ लेता है मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या कर रहा हूँ, फिर क्या होता है, फिर भगवान की भक्ति करता है। भक्ति करते करते भगवान के पास में चले जाते हैं। इसलिए जब हिरण्यकश्यप ने नामाम दुष्कृतन मूढ़ा, इसलिए कहते वो जो पापी व्यक्ति मेरा भक्ति नहीं करते हैं, कहते वो पापी व्यक्ति चार ही व्यक्ति होते हैं, बोले कौन है, बोले पहला नंबर है मूर्ख, अपने आप को तो मानते हैं हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं, लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी भक्ति नहीं करते हैं ना, वो सबसे बड़ा बेकूफ, सबसे बड़ा मूर्ख वही जो मेरी भक्ति नहीं करता है, है? मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, कहते नरों में जो सबसे अधम, जो सबसे जो गिरे हुए व्यक्ति है वो मेरा भक्ति नहीं करता है, है? दुष्कृत ने मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायायाम अपरहित ज्ञाना, माया जिनकी बुद्धि विवेक संपूर्ण रूप में अपहरण कर लिया, जिनकी माया संपूर्ण बुद्धि विवेक जिनकी नष्ट कर दिया है। और प्रपद्यन्ते नराधमा, कहते नरों में जो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति है, हैं नरों में जो सबसे गिरा हुआ व्यक्ति वही व्यक्ति मेरा भक्ति नहीं करते हैं, इसलिए जो मेरी भक्ति करते हैं बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति मेरे भजन करने वाले। इसलिए यहाँ पर कह रहे जिस समय हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिका घात मारा तो भगवान स्वयं नरसिंह रूप में भगवान खंभे से प्रकट हो गए, बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। अरे जोर से बोलो जय। बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। इसलिए यहाँ पर हरिदास ठाकुर जी एक एक प्रमाण को देख रहे कह रहे, बोले प्रभु आप कितने पापियों को आप उधार नहीं किया, सारे पापियों को आपने उधार किया, अजामिल जैसे पापी हैं, अजामिल जैसे पापी जिसने ब्राह्मण घर में जन्म लिया, अपना पत्नी कम उम्र की देखने में सुंदरी, एक अपना कम उम्र पत्नी को उन्होंने त्याग दिया है, हैं उन्होंने त्याग दे दिया, बोले क्यों, एक बार उन्होंने इन्हीं आंखों से गलत चीज को देख लिया, एक शूद्र और शूद्राणी को शराब पी करके विवस्त्र अवस्था में उन्होंने एक बार देख लिया, देख लिया तो इतने अच्छी पत्नी ब्राह्मणी, ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था हैं, और कहां सारे संस्कार विशिष्ट, वहां पर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी एक व्यक्ति को अंदर में जितने सद्गुण होनी चाहिए उनके अंदर में ये सारे सद्गुण विद्यमान था, सारे सद्गुण से परिपूर्ण, सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूना, गुरुजन को आदर करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, सदाचार को है सदाचार को जीवन में पालन करता था, सारे सम दम सप शौच कहते सारे गुण उसके अंदर में विद्यमान था, लेकिन एक बार केवल उन्होंने कुदृष्टि है, केवल उन्होंने गंधा चीज को एक बार देख लिया तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया, पत्नी को त्याग दिया, वो शूद्राणी बेस्या को साथ में रहा, अमेत कुमेत खाया, और बच्चों को पालन करने के लिए उन्होंने गुंडागिर्दी डकायत चोरी बदमाशी ऐसे कोई पाप कर्म नहीं जो नहीं किया। देखो यहाँ सिखा देते हैं भैया, इन्हें आंखों से गंदी चीज को मत दिखा दो, यहाँ सिखा देते हैं अजामिल जैसे व्यक्ति ब्राह्मण घर में जन्म हुआ उसने एक बार ये गंदा चीज को देख लिया, अपना मन को उन्होंने सही नहीं कर पाया, इसलिए जो टीवी मोबाइल स्मार्टफोन है ना ये सारे सर्वनाश का जड़ है, ये कली जीवों को नष्ट करने के लिए, ये कली गुरु जी कहते थे ये कली है, हाँ ये कली जीवों को नष्ट करने के लिए ये टीवी स्मार्टफोन इंटरनेट जितने, क्या पहला दुनिया नहीं चलता था, बड़ी शांति से चलता था, बड़े सुख में लोग जिंदा रहते थे, समय होता था तो क्या करते थे, गांव-गांव में गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे, टोली होता था बैठ बैठ के, टीवी था नहीं ना, अभी ऐसे उन्होंने दिखा दिया टीवी,
पहले तो एक चैनल था, अभी सारा दुनिया के चैनल है, और उसमें कोई अच्छे चीज दिखाए कोई नहीं, लेकिन खोलते ही जितने गंदी गंदी पिक्चर, उल्टा पुल्टा जितना चीज दिखाएगा हैं। भगवान हमें जितना दिया है उसी में ही हमें खुश रहनी चाहिए, उसी में ही प्रसन्न रहनी चाहिए। लेकिन जब एक लड़की को देखते हैं, एक लड़का को इतना बढ़िया खाना पीना घर द्वार, फिर जीव क्या करता है, भैया हमें भी ये चीज मिलनी चाहिए, हमें भी ये चीज हमें भी मिलनी चाहिए हैं। इसके लिए फिर पाप कर्म करना फिर जीव शुरू कर देता है, पाप कर्म करना शुरू कर देता है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं, इसलिए हमें ये उल्टा पुल्टा चीज को नहीं देखनी चाहिए। और अजामिल व्यक्ति अगर भ्रष्ट हो गया, और हम कौन सा खेती के मूली है, समझ रहे हो। इसलिए जो स्मार्टफोन में उल्टा पुल्टा चीज देखना एकदम नहीं देखनी चाहिए, क्यों, ये चीज एक दिन हमें पकड़ करके घर में ले लिया। इसलिए ब्रह्मचारियों को इस चीज तक नहीं रखनी चाहिए हैं। रख रहा तो कोई सावधान से, लेकिन हम तो मुक्त है ही नहीं, हमारे पास में कोई बढ़िया चीज रहे, हम सही चीज को देखें, हम तो मुक्त नहीं, क्यों, कलयुग का जीवन स्वाभाविक रूप में ये मन गंदे चीज में जाते। इसलिए साधु सावधान, साधु सावधान सावधान। इसलिए अगर चाहते हो घर में जाकर फिर घर गृहस्थी शादी कर, फिर तो ये सब चीज को रख करके देखनी चाहिए, नहीं तो ये चीज को स्वयं ये हमारी भक्ति की प्रतिकूल चीज है, स्वयं को स्वयं रखा करके ये चीज को हमें त्याग देनी चाहिए अगर भजन करना चाहते, नहीं तो क्या होगा। देखो एक चीज समझो, हम सब के सब साधु है, घर बार छोड़ करके आए भजन करने के लिए। एक व्यक्ति संसार में कितने परिश्रम करके फिर भोजन संग्रह करता है, ये चीज को समझो, कितने कष्ट करता है दिन भर, ये गृहस्थ व्यक्ति को पूछ लो, कितने परिश्रम करके अपना संसार को। और यहाँ पर हम लोग जगन्नाथ जी कृपा करके थोड़ी सी उनका कीर्तन भजन करने पर ठाकुर जी हमें यहाँ बैठा बैठा करके प्रसाद देते हैं। अगर उसकी संसार में रह करके उनकी भक्ति में, लेकिन अगर हमने ये स्मार्टफोन फाट फोन गंदी गंदी चीज को देखे, पर जगन्नाथ जी हमें पालन करेंगे, बोले खा रहे हो मेरा है और बैठे हो यहाँ पर और तुम उल्टा पुल्टा चीजों को देख रहे हो, भगवान चोटी पकड़ कर निकाल देंगे हम यहाँ से, ज्यादा दिन रह नहीं सकते हो, रह नहीं सकते, क्योंकि ये जो प्रसाद है ये लोग परिश्रम करके देते हैं। अगर हम भक्ति भजन नहीं करेंगे ना, फिर ये हमारा हजम नहीं होगा चीज, इसको हम हजम नहीं कर सकते, क्योंकि ये देवत्व संपत्ति है, ये देवत्व संपत्ति है, इसलिए ये चीज सहज में पेट में हजम नहीं होगी सब चीज। इसलिए साधु सावधान, इसलिए कहते साधु कहीं बोलते सावधान, ठीक है ना। इसलिए क्या करनी चाहिए, हमें निष्कपट होकर के समय भगवान दिया, कीर्तन भजन भक्ति हमें करनी चाहिए उनकी। इसलिए यहाँ अजामिल जैसे व्यक्ति हैं, ऐसे यहाँ पर कह रहे हरिदास ठाकुर जी, अजामिल जैसे व्यक्ति हैं जो पूरा पापी के पापी, इसलिए एक श्लोक में कहते हैं, कहते किस समय भगवान उसको उद्धार किया है, किस समय, बोले अजामिल अफी, इतने पापी होते हुए भी है और बिस्तरा में लेटा हुआ टट्टी पेशाब कर रहा था, भगवान को नहीं अपना बेटे को उसने नारायण बुलाया, भगवान को नहीं बुलाया था उन्होंने, बेटे को नारायण बुलाया उन्होंने। बोले भगवत नाम में कितने शक्ति है, ठाकुर जी कितने दयालु, उसमें कह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर, भगवान को नहीं अपना बेटे को नारायण बुला, भगवान को नहीं बुला उसने, अपना बेटे को बुलाया था। कौन सा अवस्था में, बिस्तरा में तीन जमदूत आकर के उसको पकड़े और डर से टाटी पेशाब कर रहा था उस समय में, हैं, टाटी पेशाब कर रहा था, और उन्होंने जो बेटे को उसने बुलाया, जैसे उन्होंने, जैसे हम मन स्थिर है, स्थिर मन में जैसे भगवान को बुलाओ, नहीं चित्कार करते हुए, बेटा नारायण, डर से हैं, डर से उसने। लेकिन यहाँ कहते हैं भगवान का जो नाम इतने पवित्र, भगवान का नाम इतने शुद्ध है, इतने शुद्ध पवित्र है, भगवान का नाम, बस चार विष्णु दूत आए, जमदूत को मार मार कर भगा दिया, जमदूत को और उनको उनको उन्होंने रक्षा किया, उनको उन्होंने रक्षा किया। इसलिए हरिदास ठाकुर जी कहते, बोले हे प्रभु आप तो कितने पापियों को, मेरे जैसे कितने पापियों को आपने उद्धार किया है, इसलिए हैं, इसलिए आपको मैं बारंबार आपको चरण में प्रणाम करता हूँ। इसलिए महाप्रभु ने बोले हमें वर मांगो, उन्होंने क्या वर मांगे, बोले तुम्हार चरण भज जे सकल दास, तार अबस जन है मोर ग्रास। इसलिए
बोले प्रभु हमको ये वरदान तो तुम्हारी चरण को जो लोग भजन करते हैं, आपका जो दास है, है? आपका जो दास है तार अवश्य जन है मर ग्रास। वैष्णव लोग जो भजन भोजन कर ले वो जो अवशिष्ट जो चीज को रख लेते हैं जैसे वही मेरा भोजन हो। इसलिए कहते कुकुर करिया मरे रख नीच घर। कहते वैष्णव घर में कुकुर हो तो किसके घर में हो? कहते वैष्णव के घर में ही कुकुर हो करके, कुत्ते हो करके हम वैष्णव घर में ही जन्म हो। तब हम पहले सुने थे वो वैष्णव घर में क्यों कुकुर बनना चाहते हैं। अब देखना जो कुत्ता है ना वो ऐसे के प्राणी है, बड़ी वफादार है। एक बार किसी कुत्ते को एक बार खिला दो ना, जो कुत्ता आपको भुगता है, अब एक बार किसी कुत्ते को एक बार खिला दो, देखना तुम्हारे वशीभूत हो जाते हैं। वो कभी भूलता नहीं, वो कभी नहीं भूलता है। जिस गृह में एक कुत्ता रहेगा ना आप देखना प्रतीप जनर आशित नादी वो राखी वो घड़ेर पारी। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं अगर कोई विरोध व्यक्ति आए ना, कुत्ता अगर दरवाजा पर है घर में घुसने नहीं देगा, घर में घुसने उसका, हाँ उसका मालिक अगर बोल दे कुत्ता क्यों भोग रहे हो, देखना चुप हो जाता है। वो कुत्ता समझ जाता है ये इनका कोई परिचित व्यक्ति है, पता बड़ा बुद्धिमान है, हैं? देखना जैसे नया व्यक्ति है वो कर रहा है, उसका मालिक एक बार आवाज है कौन भोग रहा चुप रहो, बात इतने में समझ जाता है ये मालिक का कोई अपना परिचित व्यक्ति, देखना कुछ बोलेगा नहीं और कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप हो जाएगा। मतलब इतने ये विश्वास इतना वफादारी ये कुत्ता है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं हे प्रभु जैसे ये जो जो संसार है, किसका संसार? ये तुम्हारा संसार है, जो मंदिर है ये ठाकुर जी का घर है, भगवान की संसार है, हम इसमें कुत्ते हैं। कुत्ता मतलब क्या है? बोले प्रतीप जनरे आसित नादी वो राखी वो गड़े रो पारे। जो प्रतिकूल व्यक्ति है, जो प्रतिकूल व्यक्ति है उनको घर में घुसने नहीं देंगे, जो अनुकूल व्यक्ति उनको ही हम घुसने घर में देंगे। क्योंकि जिस दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाए, जिस घर में इसलिए कहते हैं, इसलिए भक्तिमन ठाकुर कहते हैं यदि वैष्णव घर है तम कुकुर एंठो दिया ताराई तो वैष्णव ठाकुर। मतलब है अगर कुत्ता बने तो वैष्णव घर में ही कुत्ता बने पड़े, उनको घर में ही कुत्ते बने। अगर कहते हैं हरि तम कुत्ता अगर वैष्णव लोग हमें प्रसाद दे कर हमें संसार से तार देते, इसलिए कुत्ते बने तो वैष्णव घर में ही कुत्ता बननी चाहिए हैं। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? भक्त पद धुलियार भक्त पद जल भक्त भुक्त शेष इति साधन रवन। कहते भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल तीन उपाय कहते हैं। सबसे सरल तीन उपाय क्या है? भक्त पद धूलि, एक तो भक्तों का चरण धूलि, उसके बाद में भक्तों का चरणामृत, और जो तीसरा चीज है भक्तों का अधरामृत व कथामृत है, उनकी अधरामृत प्रसाद व ये कथामृत। कहते ये तीन चीज जितने जल्दी से जल्दी ये भगवान की भक्ति को प्रदान करती है जगत में, और कोई चीज नहीं जो इतना जल्दी प्रभु की भक्ति हमें प्रदान कर सकती है। इसलिए कहते हैं वैष्णव घर में कुत्ता हो तो कहां पर हो? वैष्णव घर में ही कुत्ते होकर के जन्म ग्रहण करे, हैं? कुत्ते होकर जन्म ग्रहण करे। इसलिए प्रकाश करने कैसे, इसलिए यहाँ पर है? इसलिए यहाँ पर महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को कह रहे हैं बोले तुम्हारे जे श्रद्धा करे से करे आमारे निरंतर थाकिया मी तुम्हार शरीरे। महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को कहते बोले हरिदास तुम्हारे जे श्रद्धा करे से करे आमारे, जो व्यक्ति तुम्हें श्रद्धा करता है वो मुझे ही श्रद्धा करता है, जो व्यक्ति तुम्हें श्रद्धा करता है वो व्यक्ति मुझे श्रद्धा करता है। बोले क्यों? बोले निरंतर थाकिया मैं तुम्हारे शरीर, कहते मैं कहाँ रहता हूँ हर समय? बोले तुम्हारी शरीर में ही हर समय में रहता हूँ। इसलिए वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, और गोविंद कहने मामा वैष्णव प्राण। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्या कहते हैं? ऐ बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतित पावन तोमा
बिना के हनाए गंगार परसाइले पसाते पवना दर्शने पवित्र कर एही तो मार्गो नीले। कीर्तन में पूरा वैष्णव का महिमा इस कीर्तन में कहते बोले हे प्रभु, गंगा में स्पर्श करने पर जहाँ पर कोई पवित्र होते हैं, लेकिन वैष्णव को दर्शन मात्र से ही दर्शन भवेत बंध पुंस अखनो सभी दूर जाता। जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाता है, कहते वैष्णव को दर्शन करने से सारे अज्ञान दूर हो जाता है, सारे अज्ञान। इसलिए यहाँ प्रभुपाद ये दो लाइन के ऊपर बहुत अच्छी बात कहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कहते ये कनिष्ठ भक्तों का लक्षण क्या है, बोलो क्या है, बोले अर्चया मैव हरे जब पूजा श्रद्धयते न तद भक्ते सुचान्ये सुसभक्त प्राकृत स्मृतम। कहते ये कनिष्ठ अधिकारी भक्तों का लक्षण है। वो क्या लक्षण है, ठाकुर जी का जो अर्चा विग्रह है उनको तो बड़े निष्ठापूर्वक पूजा करेंगे, ये ठाकुर साक्षात भगवान है, हैं ये साक्षात भगवान, इसलिए उनको तो बड़े भक्ति पूर्वक उनको भक्ति करेंगे। लेकिन न तद भक्त सु चान्य सु, लेकिन उनका जो भक्त है ना वो भक्तों को इतना आदर नहीं करते हैं, इसलिए ऐसे जो व्यक्ति उनको कनिष्ठ भक्त बताया गया। लेकिन जो मध्यम भक्त होता है उसका क्या लक्षण है, ईश्वरे तद अधीन सु बाली से शुद्ध सुच प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा ज करोति समध्यम। कदि मध्यम लक्षण का अधिकारी है ईश्वर में क्या करता है, प्रेम, ईश्वर को प्रेम, भक्तों के साथ में मैत्री, द्वेष को उपेक्षा, और जो बालिश जो मूर्ख हो उसको ऊपर में कृपा करते हैं। कहते ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। ये मध्यम अधिकारी का जो लक्षण है तद अधीन जो भक्तों को क्या करता है, प्रेम करता है। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं भैया प्रेम किसको साथ में करनी चाहिए, सबको साथ में प्रेम मत करो, सबको साथ में प्रेम नहीं करनी चाहिए, इसलिए प्रेम किसको करो, भगवान के भक्तों को, उनको साथ में मैत्रिता अगर करना तो मैत्रिता करना तो मैत्रिता किसको साथ में करो, बोले भक्तों को साथ में मैत्रिता करो, हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का भी एक कीर्तन है, क्या कीर्तन है भाई, भक्ति विनोद ठाकुर का एक बड़ा सुंदर कीर्तन है, इसलिए हाँ उसमें एक बहुत एक अच्छा कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर का। इसलिए कहते प्रभु अगर हम मेरे कोई मित्र बने है ना, कोई अगर दोस्त बने तो कौन मित्र बने, कहते केवल तारे भक्तों को साथ में मित्रता, और किसको साथ में मित्रता मेरी नहीं, वो मना करते, बोले क्यों, कहते कि भक्तों के साथ में मित्रता करोगे तो क्या होगा, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं लेकिन जब भक्तों का संग करते हैं ना, कहते वो हमें उपदेश देते हैं, अगर हम कभी गलत रास्ता पर जाए वो हमें रोकेगी, क्या कर रहे हो, शराब क्यों पी रहे हो, खबरदार शराब पीना नहीं चाहिए, क्यों सिगरेट फूंकते हो, सिगरेट मत फूंका करो, क्यों गलत काम करते हो, वैष्णव हमें टोकेगी, हैं, गलत रास्ता से हमें बचाएंगे। लेकिन अगर असत संग हो गया तो क्या होगा, शराब ही, बोले एक बार पी ले, बोले नहीं हमारे घर में कोई नहीं पीते भैया हम नहीं पिएंगे, बोले रोज थोड़ी पीते हो, आज तो विशेष दिन है, इसलिए अपना पकेट से पैसा निकाल करके वो पहले पिलाएंगे, पियो थोड़ा, बोले एक बार फूंक लेने, बोले क्यों हम कभी नहीं फूंके, बोले एक बार फूंक कर देख लेना क्या कैसे लगता है, देखो कैसे धुआं बाहरता है निकलता है, इसलिए अब हाथों से क्या करेंगे, एक दो बार पिला देंगे, जब हमारा आदत बन जाएंगे ना, निकालो पैसा निकालो पकेट से, जीवन बर्बाद कर देंगे, हाँ फिर तो उल्टा उसको हाथ से पिएंगे। इसलिए ये असत्संग करने से, इसलिए सत्संग स्वर्गवास असत्संग सर्वनाश, इसलिए यहाँ कह रहे हैं वैष्णव का संग होने से हमें हर समय अच्छी बात बताएंगे, भजन की बात बताएंगे, प्रभु का भजन का तरफ में हमें ले जाएंगे, हैं? इसलिए कहते हैं प्रेम मैत्री, हैं? प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा जो करती समर्थम। इसलिए भगवान रहते हैं किसको हृदय में, भक्तों के हृदय में रहते हैं, इसलिए जब हम भक्तों को प्रणाम करते हैं, इसलिए कहते ना यहाँ क्या बोले, निरंतर थाकिया में तुम्हारे शरीर, भगवान कहाँ रहते, वैष्णव का शरीर में रहते, जब वैष्णव को हम लोग क्या करेंगे, हैं, मैत्रिता करेंगे, फिर मैत्रिता किसको साथ में हुआ, प्रणाम करेंगे तो प्रणाम किसको साथ में हुआ, भगवान को साथ में हुआ। इसलिए भगवान क्या कहते हैं,
अमार हईते अमार भक्तरे बुझा बड़ यही कथा वेद पुराण कहिलत तड़। भगवान स्वयं कहते हैं मेरे पूजा से मत भक्त पूजा व्याधि सर्वभूतेषु मनमति, मतलब मेरे पूजा से मेरा भक्त का पूजा बड़ा है। इसलिए कहते हैं महाप्रभु कहते हैं जो तुम्हें श्रद्धा करता है वो मेरे को श्रद्धा करता है, और जो भक्तों को श्रद्धा नहीं करता है वो मेरे को श्रद्धा नहीं करता है। इसलिए भगवान कहते हैं अगर मुझे प्रसन्न करना करना चाहते हो क्या करो, मेरे भक्तों की सेवा करो, मेरे भक्तों को खिलाओ। इसलिए हमारे वैष्णव धर्म में वैष्णव सेवा की बड़ा महत्व है। इसलिए महाप्रभु केवल दो उपदेश दिया है, नाम संकीर्तन वैष्णव सेवन दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु खुद कहते हैं क्या करो, पहला काम है नाम संकीर्तन करो और दूसरा है वैष्णव सेवन, वैष्णव का सेवा करो और नाम कीर्तन करो, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। इसलिए हम मेरे गुरुदेव कहते थे देखो जो लोग रसोई बनाते हैं ना, मेरे गुरुदेव कहते थे जो रसोई बनाते हैं वो दोनों का सेवा हो जाता है। किसका सेवा, पहले तो ठाकुर जी का सेवा हो गया भगवान का है, फिर वो प्रसाद फिर किसको पाए, वैष्णव लोग। इसलिए हमारे मेरे हमारे गुरु जी के मंदिर में एक पर्वत महाराज थे, वो इतना उनके अंदर में कोई योग्यता नहीं था लेकिन क्या प्रसाद बनाते थे, क्या सुंदर प्रसाद बनाते थे, गुरुदेव खुश हो जाते थे उसका प्रसाद पा करके। बोले प्रसाद खा करके बोलते थे आज श्याम सुंदर ने है आज इस वस्तु का ग्रहण किया है, आज राधा रानी ने हैं तुम्हारी सेवा को हाथ सेवा को ग्रहण किया है। क्योंकि कृष्ण राधा रानी के हाथ के सिवाय तो किसको हाथ का खाना नहीं खाते हैं। इसलिए नियम है जब रसोई घर में जाए राधा रानी को कृष्ण को प्रणाम करते हुए जाए, हे राधे आपकी हाथ के सिवाय तो जगन्नाथ जी कुछ खाते ही नहीं, लक्ष्मी बनाती है ना जगन्नाथ के लिए, लक्ष्मी बनाती है साक्षात लक्ष्मी बनाती है, इसलिए लक्ष्मी का हाथ अगर ठाकुर जी ग्रहण नहीं करते, इसलिए हम जो रसोई बनाते ये सोचनी चाहिए केवल हम तो केवल मदद कर रहे हैं राधा रानी को, लेकिन रसोई कौन कर रही है, श्री राधा रानी। इसलिए हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे मैं जब रसोई बनाता था मेरे जो गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज उसको पा करके बोलते थे जरूर इसको गौर नारायण बनाया, गुरुदेव बहुत अच्छा रसोई बनाते, मेरे गुरुदेव बनाते थे इसलिए बोलते थे आज ये गौर नारायण बनाया जरूर सब जी को। और बावन गोस्वामी महाराज कहते थे कम मसाला कम तेल में बनाना एक बहुत बड़ा टेक्निक है, ये बहुत बड़ा टेक्निक है। इसलिए वे बहुत अच्छे प्रसाद अच्छे सुंदर प्रसाद बनाते थे। इसलिए गुरु जी कहते थे जो व्यक्ति ठाकुर जी का रसोई बनाते हैं ना वो राधा रानी की सेवा कर रहे हैं। राधा रानी जावट में जब कृष्ण के लिए रसोई बनाती थी कैसे राधा रानी के शरीर कैसे वर्णना करते हैं, कहते इतने कोमल आंगी राधा रानी, इतने कोमल शरीर राधा रानी की, कहते चंद्रमा का किरण भी राधा रानी का शरीर में पड़े ना उनको भी कष्ट लगता था, मतलब इतने राधा रानी की शरीर कोमल है। लेकिन जब राधा रानी नंद भवन में श्याम सुंदर के लिए जब खाना बनाती थी कहते वहां 15-20 भाटी लगा हुआ रहता, पहले कैसे रोसी होती थी, हाँ चूल्हे में रोसी होती थी ना, पहले तो गैस नहीं होता था, लकड़ी से कंडे से रसोई बनती थी, मिट्टी की पात्र से रसोई बनती थी, राधा रानी बीच में बैठी हुई, ललिता विशाखा चंपक लता तुंगविद्या चित्रा सुचित्रा रूपमंजरी रतिमंजरी सब सखियां चारों तरफ में बैठी हुई। राधा रानी कहती है ललिते श्याम सुंदर आने का समय हो गया, अभी तक ये सब्जी बनी नहीं, जल्दी जल्दी बनाओ तुंगविद्या, जल्दी जल्दी बनाओ, अभी श्याम सुंदर आने का समय हो गया है, अभी ये सब्जी नहीं बनी है। सबको आदेश देती थी राधा रानी ये बनाओ ये बनाओ। राधा रानी विशेष करके एक लड्डू बनाती थी जिसका नाम मनोहर लड्डू, ये राधा रानी खुद बनाती थी, जिसमें काजू पिस्ता बादाम किशमिश दे करके राधा रानी एक लड्डू बनाती थी जिसका नाम मनोहर लड्डू। इसलिए भजन में गाते हैं ना भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, छले भले लाड्डू खाए श्रीमत मंगल, बगल बजा यार दे हरिवल है। इसलिए राधा रानी दूर में बैठी रहती थी, और राधा रानी क्योंकि राधा रानी अभी जब कोई बढ़िया भोजन हो ना बढ़िया कोई टेस्ट था हम देखना खाते सब बड़े खुश होकर खाते आज क्या बनाया क्या, बड़े खुश होकर राधा रानी एक झरखों से राधा रानी वहीं से देखती थी मैंने जो इतने कष्ट करके ये सब बनाया है श्याम सुंदर कैसे सेवा कर रहे हैं कैसे सेवा कर रहे हैं। और जब श्याम सुंदर एक चीज को खाते थे
उनको मुंह का जो आकृति पूरा बदल जाती थी, क्या बनाया, अमृत जैसे। इसलिए राधा रानी को दुर्वासा ने वरदान दिया, तुम जो कुछ बनाओगी अमृत हस्ता, सबके सब अमृत बनेगा। इसलिए राधा रानी देख देख कर खुश होती थी। कभी कृष्ण क्या करते थे, लड्डू जैसे बहुत बढ़िया लड्डू बनाए राधा रानी, और कृष्ण लास्ट में लड्डू खाते क्योंकि लास्ट में मीठा, इसलिए बोले क्या भोजनाते क्या मधुरैना समापयते। इसलिए नियम है लास्ट में मीठा से लास्ट में समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि मीठा क्या करता है, वो हजम कर देता है, खाने को हजम कर देता है। राधा रानी देखती है श्याम सुंदर क्या करते हैं, कहते राधा रानी तो बड़े सुंदर लड्डू बनाई है, बड़े प्यारी लड्डू, लेकिन केवल मैं क्या अकेला खाऊं, बड़े सखा लोगों को तो मिले। इसलिए कृष्ण तो खाते हैं, लेकिन कभी कभी खा करके ना मुंह को कहते अच्छा नहीं बना, फिर क्या करते अपना दोस्त को दे देते हैं। राधा रानी सोचती है मैं इतने कष्ट करके बनाई श्याम सुंदर, ठीक से नहीं खाए, इसमें कमी क्या रहेगी, लेकिन छले वाले लड्डू खाए, श्रीमधु मंगल बगल बजाए हर दे हरिवर। लेकिन जब मधु मंगल वो लड्डू खाता है ना, क्या लड्डू बनाए, बगल बगल हाथ क्या लड्डू बनाए, आनंद आ गया है, आनंद आ गया। राधा रानी सोचती है भैया फिर श्याम सुंदर इसको ऐसे क्यों किए, ऐसे इसीलिए किए, वो सखाओं को भी ये राधा रानी का प्रसाद, हाथ का प्रसाद सखाओं को भी मिले। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं जो मेरे भक्तों को आदर करते हैं वो मुझे भी आदर करते हैं। इसलिए महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी को बड़ा सुंदर उन्होंने वरदान दिया, बोले क्या, तुम्हें मोरे हृदय बांधिला सर्वकाल। कहते हरिदास हर समय के लिए अपना हृदय मेरे को बांध लिया है, क्यों, प्रेम को द्वारा है, केवल प्रेम बस चैतन्य गोसाई, केवल प्रेम से ही भगवान को हम बांध सकते हैं। मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णव स्थाने बिना अपराध भक्ति दिल तुम्हें दान तुम्हें दाने। इसलिए महाप्रभु कहते हैं सब बिना अपराध भक्ति दिल तार दाने, बगैर अपराध के हैं, उन्होंने क्या किया, उनको उन्होंने भगवान की भक्ति उन्होंने महाप्रभु ने प्रदान किया। इसलिए जब सब भक्त वहां पर थे, जब भक्तों ने देखा, देखो महाप्रभु स्वयं अपना भक्ति किसको दे रहे हैं, हरिदास ठाकुर को अपना भक्ति दिया। ये हरिदास ठाकुर कौन है, पूर्व जन्म में उन्होंने हरिदास, इसलिए भक्त लोग उसको बाद में वंदना करते हैं, कोई कहते हैं ये पूर्व जन्म में कौन थे, बोले पितामह ब्रह्मा है, पितामह ब्रह्मा जो हमारी आदि गुरु है, और कौन थे, बोले श्री प्रहलाद महाराज थे। इसलिए वो दोनों मिलकर के ब्रह्मा बन करके आए। इसलिए जब उन्होंने वरदान दिया, सारे भक्त देख करके कितने खुश हो गए, देखो महाप्रभु दुर्लभ भक्ति उन्होंने अपना प्रेम भक्ति हरिदास ठाकुर को दिया, देख कर प्रसन्न हो गए, और वैष्णव लोगों ने उनका जयकार देते हैं, बोले श्री हरिदास ठाकुर की, बोले श्री हरिदास ठाकुर की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की। इसलिए बोले जाति कुल क्रिया धन किछु नहीं करे, प्रेम धन आरती बिना नापाई कृष्ण रे। यहाँ पर कह रहे हैं भैया ये जाति कुल क्रिया धन ये इसको द्वारा भगवान नहीं मिलते हैं, मिलते हैं कैसे, प्रेम धन आरती बिना नापाई कृष्ण रे। जब तक हृदय में प्रेम आरती नहीं हो, ये जाति कुल विद्या को द्वारा भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जत्ते कुले वैष्णव जन्म के नए तथापि वो सर्वशास्त्र है, तथापि वो सर्वतम सर्वशास्त्र कहे। इसलिए भले ही किसी कुल में वैष्णव का जन्म क्यों नहीं हो, तब भी वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए यहाँ पर इसलिए प्रभुपाद विभिन्न ग्रंथों से कितने सारे श्लोकों को यहाँ पर उन्होंने एकत्रित किया प्रभुपाद ने, हैं प्रभुपाद ने सब यहाँ पर श्लोक एकत्रित करते हुए एक एक करके उदाहरण देते हैं, हैं कौन सा भक्त कौन सा कुल में जन्म ग्रहण किया, लेकिन भगवान की भक्ति के प्रभाव से हैं, कहते भक्ति के प्रभाव से कहते जितने सारे कुल का जो अपवित्रता सबके सब नष्ट हो गया। कोई श्लोक याद है, मद भक्ति दीप्ताग्नि जाति दुर्मस कलमस, कोई श्लोक याद है। इसलिए कहते मेरे जो भक्ति इतना भक्ति की महिमा, कहते भक्ति की महिमा से जो दुर्जाति है सबके सब नष्ट हो जाता है,
और भक्ति क्या करता है, वो व्यक्ति को सर्वोत्तम बना देता है, उसको जगत में सर्वश्रेष्ठ बना देता है। जैसे दासिया बावरी साल बेग, और अक्सर करके देखो भगवान के जितने भक्त है ना सब छोटे जाति में, राम का तो जितने भक्त है, हनुमान बंदर, हनुमान जी बंदर, हनुमान कोई स्वयं कहते हैं सवेरे उठ करके अगर मेरे को याद कर ले ना दिन भर उसको भोजन नहीं मिलेगा, है हनुमान जी स्वयं कहते हैं। लेकिन देखो घर घर में हनुमान जी की पूजा हो रही, कहां बंदर है, घर में घुस गए तो बोले अपवित्र हो गया घर, सुग्रीव वो भी बंदर है, नाल और नील ये भी बंदर है, उनकी सबरी ये सबरी जाति के भगवान जिसकी झूठा बेर खाए है, कदे जांबवान भालू, जांबवान भालू, विभीषण राक्षस, प्रहलाद राक्षस, जितने राम के भक्त देखो सबके सब निजी जाति में आए, लेकिन जगत में सर्वश्रेष्ठ है, क्यों भगवान की भक्ति किया। इसलिए यहाँ पर हरिदास, यहाँ पर श्री यहाँ पर श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं भले ही किसी कुल में वैष्णव का जन्म क्यों नहीं हो, जगत में वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कुल में क्यों जन्म नहीं हो, है ब्राह्मण घर में क्यों जन्म नहीं हो, द्वादश गुण युक्त ब्राह्मण क्यों नहीं हो, कलयुग में एक गुण तो मिलना कठिन है। लेकिन कहते हैं प्रहलाद महाराज विप्रात दुषड़, इसलिए भले ही उसके अंदर में 12 गुण विशिष्ट ब्राह्मण क्यों नहीं हो, कहते अगर भगवान का भजन नहीं करता है कहते उससे एक चंडाल श्रेष्ठ है, उससे एक चंडाल श्रेष्ठ है। कहते क्यों, बोले ये चंडाल क्या करेगा, ये स्वयं तो उद्धार होगा ही और अपना 21 पीढ़ी को उद्धार कर लेगा, लेकिन ब्राह्मण घर में जन्म लेने पर भी कहते दूसरों को क्या उद्धार करेगा, खुद ही उद्धार नहीं होगा, दूसरों को क्या उद्धार करेगा, अपना ही उद्धार नहीं होगा। इसलिए भगवान की भक्ति के बगैर सबके सब जीरो है। इसलिए यहाँ पर वर्णना करते हैं जगत में मेन वस्तु क्या है, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, यही जगत में सर्वश्रेष्ठ है। प्रणिताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोल हरि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण Hare Rama Hare
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री गुरुदेव जी की जय।